अच्छा, हमारे पास फिल्टर्स का कॉन्सेप्ट चल रहा है ASP.NET MVC के अंदर, ठीक है। हमने रिजल्ट फिल्टर्स से पहले हमने एक्सेप्शन फिल्टर पढ़ा है, हैंडल एरर फिल्टर, ठीक है, ऑथराइज का एक फिल्टर पढ़ा है, ठीक है, और आज हम देख रहे हैं रिजल्ट फिल्टर, ठीक है। रिजल्ट फिल्टर्स हमारे पास एमवीसी में क्या होते हैं, ठीक है। तो इसका पहला पॉइंट यहाँ पे देखो, अ रिजल्ट फिल्टर ऑपरेट्स ऑन द रिजल्ट दैट एन एक्शन मेथड रिटर्न्स। इसका मतलब रिजल्ट का जो फिल्टर है वो, मतलब ये जो रिजल्ट फिल्टर होते हैं ये किसके साथ काम करते हैं भाई, देखो हमारा जो एक्शन मेथड होता है जो हम कंट्रोलर के अंदर डिक्लेयर करते हैं, अब एक्शन मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न करता है ना, ठीक है। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे एक्शन मेथड्स हैं, हर एक्शन मेथड का कोई ना कोई स्पेसिफिक आउटपुट होता है, ठीक है। अब उस आउटपुट के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, मुझे उसके साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, तब मैं यहाँ पे यूज करता हूँ रिजल्ट फिल्टर, ठीक है। अब रिजल्ट फिल्टर हमारे पास एक यूज होता है जिसको हम कहते हैं आउटपुट कैशे, ठीक है। मतलब रिजल्ट फिल्टर्स के अंदर एक बिल्ट इन फिल्टर आता है जिसका नाम है आउटपुट कैशे। इसको हम आज के लेक्चर में देखेंगे कि क्या होता है। अब यहां पे देखो इसका दूसरा पॉइंट, द आउटपुट कैशे एट्रीब्यूट क्लास इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ रिजल्ट फिल्टर, ठीक है। मतलब ये जो हमारे पास रिजल्ट फिल्टर है, कौन सा, ये जो मैंने अभी बताया आउटपुट कैशे, ये कौन सी क्लास से डिराइव हुआ है, आउटपुट कैशे एट्रीब्यूट क्लास से डिराइव हुआ है। मतलब आप इस, ये जो फिल्टर है आप इसको एक ऑब्जेक्ट भी कह सकते हो, ठीक है। और ये कौन सी क्लास से डिराइव हुआ है, आउटपुट कैशे एट्रीब्यूट क्लास से डिराइव हुआ है, ठीक है। तो देखो इस आउटपुट कैशे का पर्पस क्या है, ठीक है, मतलब इसको यूज हम करते क्यों है। यहां पे देखो, विच इज यूज टू मार्क एन एक्शन मेथड हुज आउटपुट विल बी कैश्ड। अब इसका जरा कॉन्सेप्ट गौर से समझना। देखो मैंने क्या बताया, हमारा जो एक्शन मेथड होता है वो कोई ना कोई आउटपुट रिटर्न करता है, ठीक है। और वो आउटपुट फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ देर के लिए कहीं कैश करना है, स्टोर करना है, मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, जो कि मेरा एक्शन मेथड रिटर्न करता है, ठीक है। और अब मैं चाह रहा हूं कि वो जो एक्शन मेथड आउटपुट मुझे रिटर्न कर रहा है उसको मैं थोड़ी देर के लिए, मतलब कुछ ड्यूरेशन के लिए कहीं पे कैश करवा लूं, स्टोर करवा लूं, मेंटेन करवा लूं, ठीक है, ताकि जितनी देर तक मेरा वो जो आउटपुट कैशे के अंदर डेटा स्टोर रहेगा उसको मैं बार बार रीयूज कर सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले आते हैं इसके प्रैक्टिकल वर्क में, उसके बाद इसकी थ्योरी कंटिन्यू करते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं यहां आता हूं अपने विजुअल स्टूडियो में, ठीक है। हम एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। विजुअल सी शार्प सेलेक्ट करना है, वेब, और उसके बाद ASP.NET वेब एप्लीकेशन, और यहां पे अपनी एप्लीकेशन का नाम हम रखते हैं आउटपुट कैशे फिल्टर, ठीक है। और यहां पे आके ओके करते हैं, ठीक है। देखो प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, मैं यहां पे आता हूं, एक कंट्रोलर ऐड करते हैं अपने कंट्रोलर्स के फोल्डर में, राइट क्लिक करते हैं ऐड, और फिर कंट्रोलर MVC5 कंट्रोलर एम्प्टी, और यहां पे आके इस कंट्रोलर का नाम मैं रखता हूं होम, ठीक है। ऐड करते हैं इसको, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास होम कंट्रोलर आ गया और उसका डिफॉल्ट इंडेक्स एक्शन मेथड। अब इस इंडेक्स एक्शन मेथड के साथ में एक व्यू अटैच करता हूं, इंडेक्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू में आते हैं, और इसका नाम है यही रहने देता हूं इंडेक्स, और ऐड करते हैं, ठीक है। ये इसका व्यू आ गया, और अब मैं आता हूं यहां पे होम कंट्रोलर में, ये जो इंडेक्स का एक्शन मेथड यहां पे क्रिएट हुआ है और इसका व्यू है, इसके अंदर मैं क्रिएट करता हूं एक व्यू बैग, सही है। एक व्यू बैग क्रिएट करते हैं और इसका मैं नाम रख लेता हूं टाइम, ठीक है। मतलब व्यू बैक की डायनेमिक प्रॉपर्टी, उसका नाम मैं क्या रख रहा हूं टाइम, और इसके अंदर हमारे पास ये जो डेट टाइम है, ठीक है, हमारे पास एक क्लास होती है डेट टाइम, और इसकी एक प्रॉपर्टी यूज करता हूं नाउ। नाउ की प्रॉपर्टी क्या करती है, जो भी करेंट हमारे पास टाइम हो रहा है वो हमें प्रिंट करवाती है, ठीक है। मतलब जो भी करंट डेट एंड टाइम हो रहा होगा वो मैं अपने इस व्यू बैक के अंदर स्टोर करवाऊंगा। लेकिन देखो मैंने इसका नाम क्या रखा है टाइम, मतलब मुझे सिर्फ टाइम चाहिए। तो देखो नाउ के आगे मैं एक मेथड यूज करता हूं,
टू लॉन्ग टाइम स्ट्रिंग, ठीक है, मतलब के जो भी डेट है इसके अंदर से टाइम का लॉन्ग फॉर्मेट चूज करो और उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके किस प्रॉपर्टी में भेज दो, व्यू बैक की टाइम की डायनेमिक प्रॉपर्टी के अंदर भेज दो, ठीक है। और यही ये जो मेरे पास व्यू बैग है इसको मैं कॉल करवा लेता हूँ अपने व्यू में, क्योंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि व्यू बैग हम क्यों यूज करते हैं, जब हमें कंट्रोलर के एक्शन मेथड से डेटा ट्रांसफर करवाना हो कहाँ पे, अपने व्यू में। तो यहाँ पे आते हैं, अब देखो इसके नीचे मैं यहाँ पे एक S1 का टैग ओपन करता हूँ और यही जो व्यू बैग है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। और इससे पहले मैं रेजर साइंटिक्स का कौन सा सिंबल यूज करूंगा, एट द रेट, ठीक है। तो अब देखो ये जो व्यू बैग है इसके पास क्या है, जो भी करंट टाइम है वो इसके पास है। अब फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये हमें एक टाइम रिटर्न करती है, फॉर एग्जाम्पल वो टाइम रिटर्न करती है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, 7 मैं यहाँ पे कहता हूँ 53 मिनट्स और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 30 सेकेंड्स, ठीक है। मतलब ये टाइम, मतलब जब मैं रन करूंगा तो जो भी करंट टाइम हो रहा होगा वो कहां पे स्टोर हो जाएगा, व्यू बैक टाइम की प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर हो जाएगा। लेकिन अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो आउटपुट है, मतलब ये आउटपुट कौन रिटर्न कर रहा है, हमारा इंडेक्स का एक्शन मेथड, ठीक है। मतलब हमारा इंडेक्स का एक्शन मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, जो भी करंट टाइम है, और वो कहां पे जाके स्टोर हो रहा है, व्यू बैक के अंदर स्टोर हो रहा है। और इसे मैं कॉल कहां पे करवा रहा हूं, अपने व्यू में। तो अब मैं चाह रहा हूं कि ये जो मेरे पास आउटपुट ये मुझे देगा एक्शन मेथड, इसको मुझे कुछ देर के लिए कहीं पे स्टोर करवाना, कहीं पे कैश करवाना, ठीक है। मतलब कि मैं चाह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल ये जो भी टाइम है ये 10 सेकंड के लिए मेरे पास आउटपुट कैशे की मदद से स्टोर हो जाए, और उसके बाद जब तक मैं, मतलब जब मैं इंडेक्स का एक्शन मेथड, इंडेक्स का व्यू बार बार कॉल करवाऊंगा तो मुझे हर दफा यही आउटपुट मिले, कब तक, 10 सेकंड तक, सही है। क्योंकि ये जो आउटपुट था ये मैं एक आउटपुट कैशे के ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर करवा रहा हूं, कब तक, 10 सेकंड तक। तो इसका मतलब ये जो 10 सेकंड मैंने ड्यूरेशन रखी है, तो उस 10 सेकंड के अंदर अगर हमारा यूजर हमारे इस इंडेक्स के व्यू को बार बार कॉल करवाएगा तो उसे यही आउटपुट मिलेगा फिक्स, सही है। देखो मैं यहां पे आता हूं, मैंने क्या बताया, रिजल्ट फिल्टर मुझे यूज करना है, ठीक है, कौन सा आउटपुट कैसे। तो मैं यहां पे आता हूं, रिजल्ट फिल्टर हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं और फिर आउटपुट कैसे, ठीक है। और इसके अंदर, इसके ब्रैकेट के अंदर मैं बताता हूं ड्यूरेशन, और एक बात याद रखना जो हम ड्यूरेशन देते हैं वो सेकंड्स के अंदर देते हैं, ठीक है। मैं यहां पे दे देता हूं 10, ठीक है। इसका मतलब देखो मैंने क्या बताया कि फॉर एग्जांपल ये एक्शन मेथड रिटर्न कर रहा है ये टाइम एज अ रिजल्ट, और ये जो रिजल्ट है ये कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, आउटपुट कैशे में स्टोर हो जाएगा। कब तक स्टोर रहेगा ये, अगले 10 सेकंड तक स्टोर रहेगा। इसका मतलब देखो मैंने ये जो टाइम था वो आउटपुट कैसे में स्टोर करवा दिया अगले 10 सेकंड तक, तो इसका मतलब अगले 10 सेकंड तक ये जो आउटपुट है ये मेरे पास इस आउटपुट कैसे फिल्टर के अंदर स्टोर रहेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर 10 सेकंड के अंदर मेरा यूजर दोबारा इस व्यू पे आता है, इस एक्शन मेथड पे आता है, तो तब भी उसे यही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे ही 10 सेकंड के बाद मेरा यूजर इस इंडेक्स एक्शन मेथड को और इसके व्यू को कॉल करेगा तो हमारे पास इसका जो टाइम है वो अपडेट हो जाएगा, मतलब ये वाला टाइम नहीं होगा, सही है। अब इसको मैं एक दफा रन करके दिखाता हूं और आप रिजल्ट देखना, ठीक है। यहां पे आके इसको रन करते हैं, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे रिजल्ट देखो, टाइम क्या आ रहा है, 7:59 और 52 सेकंड्स, ठीक है। अब देखो ये जो आउटपुट आया है, ठीक है, ये मेरे पास 10 सेकंड्स तक स्टोर रहेगा किसके अंदर, आउटपुट कैशे के अंदर। लेकिन अब जितनी देर में मैंने आपको ये बताया मेरे 10 सेकंड्स कंप्लीट हो गए, ठीक है, तो इसका मतलब
अगर अभी मैं रिफ्रेश करूं तो यहाँ पे आके आप रिजल्ट देखना, देखो टाइम चेंज हो गया, लेकिन अगर मैं फौरन रिफ्रेश करूं तो देखो दोबारा टाइम वही है। अब देख लो टाइम चेंज नहीं हो रहा, सही है, मतलब मैं जितनी दफा भी रिफ्रेश करूंगा टाइम मेरे पास वही है। कब तक? 10 सेकंड्स तक, ठीक है, मतलब कि जो भी डेटा मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है वो 10 सेकंड्स तक क्या हुआ है, स्टोर हो गया है आउटपुट कैशे के अंदर। और उन 10 सेकंड्स के दौरान अगर मेरा यूजर दोबारा मेरे इस पेज को रिक्वेस्ट करेगा तो उसे वही फिक्स्ड डेटा मिलेगा, अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा। अपडेटेड डेटा उसे कब मिलेगा? 10 सेकंड के बाद। मतलब 10 सेकंड तक मैं चाह रहा हूं मेरा यही जो डेटा है वो मेंटेन रहे, स्टोर रहे आउटपुट कैशे के अंदर, ठीक है। आप ये ड्यूरेशन बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। अब मैंने क्या बताया, 10 सेकंड तक ये डेटा मेरे पास स्टोर है, ठीक है, और तब तक अगर मेरा यूजर मेरे पेज को रिक्वेस्ट करेगा तो उसको अपडेटेड डेटा नहीं मिलेगा बल्कि वही फिक्स डेटा मिलेगा। ऐसा हो कैसे रहा है इसको जरा समझना, यहां पे आके स्टॉप करते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया कि सपोज करो जब मैंने फर्स्ट टाइम इसको रन किया एक्शन मेथड को तो उसने मुझे ये आउटपुट दिया, और ये आउटपुट कहां पे जाके स्टोर हो गया? आउटपुट कैशे के फिल्टर में जाके स्टोर हो गया। इसका मतलब अब 10 सेकंड के अंदर अगर मेरा यूजर इस इंडेक्स को दोबारा एक्सेस करता है तो दोबारा ये एक्शन रिजल्ट का पूरा कोड कॉल नहीं होगा बल्कि वो डायरेक्ट आउटपुट कैशे से डेटा उठा के हमारे व्यू पे डिस्प्ले करवा देगा। समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल मैं ड्यूरेशन बढ़ाता हूं, मैं यहां पे ड्यूरेशन कर देता हूं 30 सेकंड्स, सही है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो एक्शन मेथड है इसने मुझे ये आउटपुट रिटर्न किया, और ये जो रिटर्न किया है ये कहां स्टोर हो गया है? आउटपुट कैशे के अंदर स्टोर हो गया है। कितने सेकंड्स तक? अगले 30 सेकंड्स तक, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि ये जो 30 सेकंड मैंने यहां पे टाइम ड्यूरेशन सेट की है, अगर इस ड्यूरेशन के अंदर मेरा यूजर दोबारा इसको एक्सेस करता है इंडेक्स के व्यू से तो उसको जो भी डेटा मिलेगा वो डायरेक्ट आउटपुट कैशे के अंदर से मिलेगा, वो हमारे इंडेक्स एक्शन मेथड के पास नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही 30 सेकंड कंप्लीट हो जाएंगे तो मेरे पास वो दोबारा यहां पे आएगा एक्शन मेथड में, इसका रिजल्ट एग्जीक्यूट करेगा और आउटपुट कैशे में स्टोर करवा देगा दोबारा। कितने सेकंड तक? अगले 30 सेकंड तक। मतलब देखो जैसे ही इस एक्शन मेथड का डेटा आउटपुट कैशे में स्टोर हो जाएगा तो जो भी ड्यूरेशन आपने सेट की है अगर उस ड्यूरेशन के अंदर मेरा यूजर दोबारा उसी व्यू को एक्सेस करता है जिसका डेटा ऑलरेडी आउटपुट कैशे में स्टोर हो चुका है तो क्या होगा कि दोबारा से एक्शन मेथड और उसका व्यू कॉल नहीं होगा बल्कि आउटपुट कैशे में जो डेटा रखा हुआ है वही व्यू में रेंडर हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। इससे फायदा पता है क्या है? हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी तो जस्ट एक लाइन का कोड है ना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरा ये जो इंडेक्स एक्शन मेथड है इसका जो आउटपुट है उस आउटपुट को जनरेट करने के लिए मैंने अपने इंडेक्स एक्शन मेथड में 100 लाइन ऑफ कोड किया हुआ है, ठीक है, मतलब 100 लाइन का कोड लिखा हुआ है। अब जाहिर बात है 100 लाइन का कोड जब एग्जीक्यूट होगा तो वो कुछ टाइम तो लेगा ना, सही है। लेकिन जब वो जो 100 लाइन का कोड है जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा उसको मैं कहां पे स्टोर करवा सकता हूं? आउटपुट कैशे के फिल्टर में स्टोर करवा सकता हूं। तो इससे फायदा क्या होगा कि जब वो नेक्स्ट टाइम इस व्यू को इस एक्शन मेथड को कॉल करेगा तब उसे इतना टाइम फेस करना नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो 100 लाइन का कोड था उसका आउटपुट कहां पे स्टोर हो गया था? आउटपुट कैशे में स्टोर हो गया था। तो जब वो नेक्स्ट टाइम हमारा ये 100 लाइन ऑफ कोड वाला एक्शन मेथड कॉल करेगा तो वो डेटा आउटपुट कैशे से लेगा, इस एक्शन मेथड से नहीं लेगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है आपके पास आउटपुट कैशे का, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल इसको एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, आउटपुट कैशे को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो
तो उसके लिए सबसे पहले मैं बनाता हूं एक डेटाबेस, ठीक है। तो हम डेटाबेस कहां बनाते हैं अपनी एप्लीकेशन में, ऐड डेटा के फोल्डर के अंदर। तो यहां पे आते हैं, ऐड डेटा के ऊपर राइट क्लिक करता हूं, ऐड में जाता हूं और हम आ जाते हैं न्यू आइटम में और यहां पे देखो विजुअल सी शार्प सिलेक्ट करना है और डेटा की कैटेगरी और यहां से सिलेक्ट कर लेना है आपने एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस। और फॉर एग्जांपल मैं यहां पे आता हूं, मैं अपने इस डेटाबेस का नाम रख लेता हूं पर्सन डीबी, ठीक है, और इसको ऐड करते हैं, ठीक है। तो देखो डेटाबेस हमारे पास क्रिएट हो गया। अब हम आते हैं इस के अंदर एक टेबल क्रिएट करते हैं। मैं यहां पे जाता हूं व्यू में और यहां पे हमारे पास सर्वर एक्सप्लोरर, ठीक है, हमने डेटाबेस का क्या नाम रखा है पर्सन डीबी, इसको एक्सपेंड करते हैं और अभी इसके अंदर कोई भी टेबल नहीं है, मैं राइट क्लिक करता हूं और एड न्यू टेबल पे आते हैं, ठीक है। हमारे पास ये क्यूरी आ गई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे टेबल का नाम हम रखते हैं यहाँ पे पर्सन, ठीक है, और पर्सन की जो आईडी होगी उसको प्राइमरी की और हम कर देते हैं आइडेंटिटी, और फिर इसके बाद नेम, ठीक है, नेम हम यहाँ पे रखते हैं इसका डेटा टाइप बॉर्चार, ठीक है, 50 कर देते हैं इसको कैरेक्टर्स, और फिर नॉटनल, और फिर नेम के बाद हम कह देते हैं जेंडर, ठीक है, जेंडर भी हो जाएगा हमारे पास, जेंडर भी हो जाएगा हमारे पास वॉचर, ठीक है, और फिर एज, एज हो जाएगी इंटीजर और नॉटनल, और फिर यहाँ पे आके फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ सिटी, ठीक है, सिटी भी हो जाएगी हमारे पास वॉचर, और फिर लास्ट में मैं यहाँ पे कह देता हूँ, या फिर ये चार रखते हैं, ये पांच डेटा रखते हैं काफी है, ठीक है। और यहाँ पे आके अब मैं फॉर एग्जाम्पल ये टेबल अपडेट करता हूँ, ठीक है, इसके अंदर कितने कॉलम मैंने रखे हैं, पांच, आईडी, नेम, जेंडर, एज और सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आके अपडेट के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, देखो अपडेट कंप्लीटेड सक्सेसफुली हो गया। और अब यहाँ पे जाते हैं सर्वर एक्सप्लोरर पे, ठीक है, ये जो हमने टेबल बनाया है इसके अंदर पहले से मैं कुछ रोज डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आओ, राइट क्लिक करो और शो टेबल डेटा में आते हैं, ठीक है, और यहाँ पे आके कुछ रोज मैं इंसर्ट कर लेता हूँ पहले से, अनस, ठीक है, फिर यहाँ पे आते हैं आमिर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये तीन रोज है, इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे आके रिफ्रेश के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, ये ऐड हो गई हमारे पास। और अब यहाँ पे आते हैं, इसको मैं हाइड कर लेता हूँ और इसका डिजाइन मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे ये जो टेबल है, ठीक है, ये मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ अपने एक व्यू में लिस्ट की फॉर्म में, ठीक है। अब देखो ये जो मेरे पास टेबल है ना, ठीक है, इसको मैं डिस्प्ले किस तरह से करवाऊंगा अपने एमबीसी की एप्लीकेशन में, डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज करते हुए, ठीक है। एंटिटी फ्रेमवर्क की हमने डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें क्या होता है एग्जिस्टिंग डेटाबेस होता है और टेबल होता है और उसके थ्रू हम मॉडल क्लास बनाते हैं, ठीक है। और ये काम हमें करके कौन देता है एंटिटी फ्रेमवर्क में, एंटिटी डेटा मॉडल। और एंटिटी डेटा मॉडल हम कहां बनाते हैं, मॉडल्स के फोल्डर में। तो यहाँ पे आते हैं, राइट क्लिक करते हैं मॉडल्स के फोल्डर में, यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड में आते हैं और फिर आ जाते हैं यहाँ पे न्यू आइटम में, और यहाँ पे जाओ विजुअल सी शार्प सिलेक्ट करना है डेटा, और यहाँ पे हम चूज करेंगे ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम मैं रख लेता हूं पर्सन डीबी मॉडल, ठीक है, और यहाँ पे आके इसको ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास डेटाबेस पहले से मौजूद है, उसके थ्रू मॉडल क्लास जनरेट करनी है, तो आपने पहला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, फिर नेक्स्ट, ठीक है, और फिर यहाँ पे आके डेटाबेस हमने सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो देखो हमने डेटाबेस कौन सा बनाया था पर्सन डीबी, इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे आओ। अब देखो कनेक्शन स्ट्रिंग भी जनरेट हो गई और पर्सन डीबी एंटिटीज के नाम से हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग भी बन गई, और जो कंटेक्स्ट क्लास बनेगी जिसके अंदर डीबी सेट होता है वो भी इसी नाम से बनेगी। तो यहाँ पे आके नेक्स्ट करते हैं, फ्रेमवर्क 6 पॉइंट यूज कर लेते हैं हम, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो टेबल्स को एक्सपेंड करते हैं, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स, और किस टेबल की मुझे मॉडल क्लास चाहिए पर्सन की, तो यहाँ पे पर्सन सिलेक्ट करता हूं और फिनिश के ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, यहाँ पे आके ओके कर देते हैं, ठीक है, एक दफा फिर ओके करते हैं,
ठीक है। देखो हमारे पास ये इसकी डायग्राम आ गई, इसका मतलब वो जो डेटाबेस का टेबल था उसके थ्रू एंटिटी डेटा मॉडल ने हमें एक मॉडल क्लास बना के दे दी है, ठीक है। तो ये इसकी डायग्राम है उस मॉडल क्लास की, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं, ठीक है, इसको मैं कोलैप्स करता हूँ और यहाँ पे आते हैं नीचे, ठीक है। देखो हमारे पास बन गया %dbmodel.edmx और यहाँ पे देखो आपको एक क्लास नजर आएगी %.cs, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊं तो देखो जो हमारा टेबल था उससे थ्रू उसने क्या कर दिया, यहाँ पे एक मॉडल क्लास जनरेट कर दिया और उसके अंदर प्रॉपर्टी जनरेट कर दी, ठीक है। और इसका डीबी सेट मतलब इसके अंदर जो मैंने तीन रोज ऐड करवाई है वो कहाँ पे होती है, देखो कंटेक्स्ट क्लास में जाओ यहाँ पे, ठीक है, और नीचे आ जाओ यहाँ पे, देखो इस कंटेक्स्ट क्लास का नाम है %dbEntities और अगर आप नीचे जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास एक है डीबी सेट। अब देखो डीबी सेट का नाम मैंने क्या रखा था, मतलब टेबल का पर्सन, उसने खुद से उसको चेंज क्या कर दिया, मतलब प्लूरल बना दिया, उसको पीपल कर दिया, ठीक है। मैंने आपको बताया था अगर आप टेबल का नाम यूजर रखते तो ये इसको यूजर्स कर देता, ठीक है, इस तरह से, सही है। मतलब वो जो तीन रोज मैंने ऐड करवाई है वो इस पीपल के डीबी सेट के अंदर मौजूद है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे आते हैं अपने होम कंट्रोलर में, ठीक है, और मैं एक एक्शन मेथड और यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आते हैं, मैं इसका डेटा कॉपी करता हूँ एक्शन मेथड का और नीचे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, और ये लाइन फिलहाल मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और इस एक्शन मेथड का नाम, ठीक है, मैं चेंज करता हूँ और इस एक्शन मेथड का नाम मैं कहता हूँ गेट डेटा, ठीक है। और अब यहाँ पे आते हैं, देखो हमारे पास जो डेटा है मतलब जो टेबल का सारा डेटा है वो एक डीबी सेट में मौजूद है और ये डीबी सेट ये जो हमारे पास है इसका ऑब्जेक्ट ये कहाँ पे मौजूद है, %dbEntities की क्लास में। तो मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है कहाँ पे, अपने होम कंट्रोलर में। तो होम कंट्रोलर में आते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और अब देखो अभी इसको रीड नहीं कर पा रहा क्योंकि कौन से फोल्डर के अंदर है, मॉडल्स के फोल्डर के अंदर ये क्लास मौजूद है। तो इसके लिए एक नेमस्पेस ऐड करते हैं, नीचे जाओ हिंट पे और वो हिंट में क्या आ रहा है, आउटपुट कैसे फिल्टर, ये हमारे प्रोजेक्ट का नाम है और इसके अंदर मॉडल्स का फोल्डर, इसके ऊपर क्लिक करो और अब यहाँ पे उसके ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखता हूँ डीबी, ठीक है, और फिर इसी तरह ये पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसी के अंदर डीबी सेट है जिसकी सारी रोज मैं डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ गेट डेटा के व्यू के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आता हूँ, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ डेटा और ये जो मैंने ऊपर ऑब्जेक्ट बनाया डीबी, इसके अंदर हमारे पास पीपल, ये डीबी सेट है ना जिसके अंदर सारी रोज है, उसको मैं टू लिस्ट में कन्वर्ट करवा रहा हूँ और टू लिस्ट में कन्वर्ट करवा के कहाँ भेज रहा हूँ, डेटा के वेरिएबल में। और अभी जो डेटा का वेरिएबल है ये मैं पास कर दूंगा अपने व्यू को, कौन से व्यू को, गेट डेटा वाले व्यू को, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं, देखो ये जो मेरे पास एक्शन मेथड है इसका मैंने अभी तक व्यू क्रिएट नहीं किया, तो मैं यहाँ पे आता हूँ गेट डेटा के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक है, और एड व्यू पे आते हैं। अच्छा देखो एड व्यू पे आने से पहले मैंने अभी एंटिटी डेटा मॉडल ऐड किया ना, तो मैंने बताया था कि जब भी एंटिटी डेटा मॉडल ऐड करते हो आप तो मॉडल क्लासेस जनरेट होती है, तो उसके बाद एक दफा आप अपना प्रोजेक्ट क्या कर लो, रीबिल्ड, तो बिल्ड में जाओ और यहाँ पे रीबिल्ड सॉल्यूशन के ऊपर क्लिक, ठीक है। देखो रीबिल्ड ऑल सक्सेसफुल हो गया। अब मैं यहाँ पे आता हूं और इसका व्यू जनरेट करते हैं, ठीक है। मतलब देखो व्यू में किस तरह से जनरेट करूंगा इसका, मैं एक टेम्पलेट यूज करूंगा लिस्ट, क्योंकि ये जो पीपल के अंदर मतलब ये पीपल हमारा डीबी सेट है इसका जितना भी डेटा है वो मैं लिस्ट में कन्वर्ट करवा के अपने व्यू को पास करवा रहा हूं। और ये जो व्यू होगा ये टेम्पलेट कौन सी यूज करेगा, लिस्ट टेम्पलेट यूज करेगा। तो यहाँ पे आए, राइट क्लिक करते हैं, एड व्यू पे आते हैं और देखो इसका नाम यही रहने देते हैं गेट डेटा और नीचे आते हैं, यहाँ पे देखो टेम्पलेट कौन सी चूज करूंगा, लिस्ट, ठीक है, और मॉडल क्लास, हमारी मॉडल क्लास का क्या नाम है, पर्सन, इसको सिलेक्ट करो और इसका जो इसकी जो डेटा कंटेक्स्ट क्लास है उसका नाम क्या है, %dbEntities, इसको सिलेक्ट करो और अब यहाँ पे जाके ऐड, ठीक है। देखो ये हमारे पास व्यू क्रिएट हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे आता हूं और इसको रन करता हूं। अच्छा देखो एक चीज और, रन करने से पहले, ठीक है, हम आउटपुट कैशे की एग्जांपल देख रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपने होम कंट्रोलर में,
ठीक है। और देखो ये जो मेथड था गेट डेटा, इसके ऊपर मैंने आउटपुट कैसे का फिल्टर यूज करना है। तो देखो मैं यहाँ पे आता हूं, मैं यहाँ पे कहता हूं ये जो आउटपुट कैसे है ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ड्यूरेशन अब मैं सेट करता हूं फॉर एग्जाम्पल 40 सेकेंड्स, और यहाँ पे आके ये जो था इसको मैं वापस 10 कर देता हूँ, ये जो पहला था ठीक है। मतलब आप देखो गौर से समझना, देखो यहाँ पे मैं कर क्या रहा हूं, मतलब इसका जो भी डेटा है ठीक है, मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, 3 रोज रिटर्न करेगा, मतलब ये जो एक्शन मेथड है ये 3 रोज रिटर्न करेगा मेरे डेटाबेस में से, और वो जो डेटा है मतलब वो जो आउटपुट है वो सारा कहां पे जाके स्टोर हो जाएगा, आउटपुट कैसे में स्टोर हो जाएगा, कब तक, अगले 40 सेकंड तक। इसका मतलब कि अगले 40 सेकंड तक अगर मेरे इस पीपल के मतलब पर्सन के टेबल के अंदर अगर कोई डेटा ऐड होता है तो वो अगले 40 सेकंड तक मेरे इस गेट डेटा के व्यू में नजर नहीं आएगा, क्योंकि अगले 40 सेकंड तक इस आउटपुट कैशे के अंदर कितनी रोज मौजूद है, 3, सही है। अगर इन 40 सेकंड्स के अंदर अगर पीपल के अंदर कोई चौथी रो इंसर्ट की जाती है तो तब भी मेरे पास 40 सेकंड जब तक नहीं गुजरते तब तक आउटपुट कैशे के पास 3 रोज ही रहेंगी, ठीक है। मतलब 40 सेकंड तक अगर गेट डेटा का एक्शन मेथड व्यू दोबारा कॉल किया जाएगा तो उसको 3 रोज ही नजर आएंगी, लेकिन जैसे ही 40 सेकंड गुजर जाएंगे तो वो जो चौथी रो मैंने इंसर्ट की होगी वो भी मेरे पास अपडेट हो जाएगी, क्योंकि देखो जब तक मेरे पास आउटपुट कैशे में 3 रोज स्टोर है, सही है, कब तक, 40 सेकंड तक। तो अगर 40 सेकंड के अंदर मेरा यूजर दोबारा इस गेट डेटा के व्यू को एक्सेस करता है तो उसे यहां से डेटा मिलेगा आउटपुट कैशे में से, और आउटपुट कैशे के अंदर कितनी रोज ऐड है, 3 रोज ऐड है, और 4 रोज कब ऐड होगी, जब ड्यूरेशन 40 सेकंड से ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पे देखो ये जो मेरे पास हमारे पास डेटा है ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसको हम क्लोज करते हैं डायग्राम को, ठीक है। यहां पे देखो ये जो मेरे पास डेटा है इसके अंदर अभी कितनी रोज है, 3 रोज है। तो अगर मैं यहां पे आके अभी अपना अगर होम कंट्रोलर रन करूं तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है। देखो अभी मेरे पास ये कौन सा व्यू चल रहा है, वो जो इंडेक्स का व्यू है, होम कंट्रोलर का इंडेक्स एक्शन मेथड चल रहा है, लेकिन मैंने वो जो डेटा डिस्प्ले करवाया था वो कौन सा मेथड था, होम कंट्रोलर के अंदर गेट डेटा। तो यहां पे आते हैं, मैं लिखता हूं होम और इसके अंदर हमारे पास एक्शन मेथड है कौन सा, गेट डेटा। तो यहां पे आके मैं एंटर करता हूं, ठीक है। अब देखो ये जो 3 रोज है ये अगले 40 सेकंड तक मेरे पास स्टोर रहेंगे, लेकिन अगर मैं यहां पे आऊं फॉर एग्जाम्पल 1 रो में यहां पे इंसर्ट कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं आसिफ, ठीक है, मेल, ठीक है, और यहाँ पे 20 और यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, मतलब इसके अंदर ये ऐड हो जाएगा। और अब यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, अपना ये वाला पेज रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो 40 सेकंड अभी नहीं हुए इसलिए मेरे पास वो जो चौथा डेटा है वो शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो डेटा था वो आउटपुट कैशे के अंदर स्टोर था, और अभी ये जो डेटा मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, ये जो रिफ्रेश करने पे डेटा आ रहा है वो आउटपुट कैशे के फिल्टर से आ रहा है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूं, ठीक है, तो देखो जैसे ही 40 सेकंड हुए वो जो एक्शन मेथड था उसका कोड दोबारा चला, और दोबारा चलने के बाद ये जो 4 रोज है वो दोबारा आउटपुट कैशे के अंदर स्टोर हो गई अगले 40 सेकंड तक, ठीक है। मतलब देखो कॉन्सेप्ट समझने वाला, यहाँ पे हम ऐसा करते क्यों है, ठीक है, मतलब आउटपुट कैशे के अंदर हम डेटा स्टोर करवाते क्यों है। वही बात कि अगर फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर मतलब ये जो एक्शन मेथड है अगर बहुत सारा डेटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो उसको बार बार एग्जीक्यूट कराने से अच्छा है कि आप क्या कर लो, आउटपुट कैशे के अंदर उसको स्टोर करवा दो, ताकि जब वो यूजर उस ड्यूरेशन के अंदर जो आपने सेट किया है उस ड्यूरेशन के अंदर अगर दोबारा आता है तो उसको आउटपुट कैशे से ही डेटा मिलेगा, ठीक है। मतलब वो दोबारा आपके बड़े से एक्शन मेथड को कॉल नहीं करवाएगा, ये कॉन्सेप्ट है इसका, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर, ठीक है। अब यहां पे देखो सेकंड पॉइंट हमने क्या देखा था,
द आउटपुट कैसे एट्रीब्यूट क्लास इज वन एग्जाम्पल ऑफ अ रिजल्ट फिल्टर. ठीक है, रिजल्ट फिल्टर की यहाँ पे ये हमारे पास एक यूज जिसे कहते हैं हम आउटपुट कैसे. ठीक है, फिर विच इज यूज टू मार्क एन एक्शन मेथड हुज आउटपुट विल बी कैश. ठीक है, मतलब जिस एक्शन मेथड से ऊपर हम ये आउटपुट कैशे का फिल्टर यूज करते हैं उसको हम कुछ देर के लिए मतलब अपनी ड्यूरेशन के हिसाब से कुछ देर के लिए उसका आउटपुट स्टोर कर सकते हैं, ताकि अगर उसी ड्यूरेशन में मेरा यूजर दोबारा उस एक्शन मेथड पे आ रहा है तो उसको आउटपुट कैशे से रिजल्ट डिस्प्ले हो, ना के पूरा एक्शन मेथड दोबारा कॉल हो. ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है. अब यहाँ पे देखो, आउटपुट कैशे फिल्टर इंडिकेट्स द एमवीसी फ्रेमवर्क टू कैशे द आउटपुट फ्रॉम एन एक्शन मेथड. मतलब आउटपुट कैशे फिल्टर एमवीसी फ्रेमवर्क को क्या इंडिकेट करता है कि जो भी एक्शन मेथड आउटपुट रिटर्न करेगा वो आउटपुट कैशे फिल्टर के अंदर स्टोर हो जाएगा कुछ देर के लिए. सही है, ये इसका पॉइंट है. फिर यहां पे देखो, द सेम कंटेंट कैन बी रीयूज्ड टू सर्विस सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट फॉर द सेम यूआरएल. इसका मतलब कि पहली दफा एक्शन मेथड क्या हुआ, रन हुआ, और उसका जो आउटपुट था वो आपने आउटपुट कैशे फिल्टर के अंदर स्टोर करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल एक मिनट तक. ठीक है, अब एक मिनट के अंदर अंदर अगर मेरा यूजर दोबारा उस यूआरएल को, दोबारा उस एक्शन मेथड को, दोबारा उस व्यू को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो आउटपुट कैशे से उसको रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, ना कि पूरा एक्शन मेथड कॉल होगा. इससे फायदा पता है क्या है, आपका जो रिफ्रेशिंग का प्रोसेस होता है, रीलोडिंग का प्रोसेस होता है, वो भी फास्ट हो जाता है. क्योंकि जब आप नेक्स्ट टाइम पेज लोड करते हो ना, तब वो एक्शन मेथड से डेटा नहीं लेता, बल्कि एक्शन मेथड का डेटा जो आउटपुट कैशे के अंदर रखा हुआ है वो वहां से लेगा. तो इससे क्या होती है, हमारी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस भी फास्ट हो जाती है, अच्छी हो जाती है. ठीक है, फिर यहां पे देखो, कैशिंग एक्शन आउटपुट कैन ऑफर अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन परफॉर्मेंस. ठीक है, मतलब जब आप आउटपुट को कैशे कर लेते हो, ठीक है, तब आपको मतलब ये जो आपके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस है वो सिग्निफिकेंट तरीके से इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वो इंक्रीज हो जाती है आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस. ठीक है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटीज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस अ रिक्वेस्ट आर अवॉइडेड. इसका मतलब देखो, मैंने क्या बताया कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपका एक एक्शन मेथड है, उसके अंदर 100 लाइन ऑफ कोड हुआ है, तो इसका मतलब जब भी वो एक्शन मेथड रन होगा तो वो टाइम लेगा. लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम एक्शन मेथड रन करने के बाद उसका आउटपुट आउटपुट कैशे के अंदर स्टोर करवा दो, तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर आपका यूजर दोबारा आपके उसी व्यू को, उसी एक्शन मेथड को कॉल करेगा, तो उस एक्शन मेथड के ऊपर जो आउटपुट कैशे लगा हुआ था फिल्टर, वहां से डेटा लेगा. ठीक है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है किसका, आउटपुट कैशे, जो कि एक रिजल्ट फिल्टर. ठीक है, अब आते हैं इसके नीचे. अब यहां पे देखो, हमारे पास इसी तरह से था होम कंट्रोलर, उसका इंडेक्स एक्शन मेथड था, उसके ऊपर हमने आउटपुट कैशे का एट्रीब्यूट इस तरह से लगाया था और इसके साथ ब्रैकेट्स के अंदर ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी यूज की थी. ठीक है, फिर यहां पे नीचे आओ, देखो यहां पे क्या कह रहा है, इन दिस कोड द आउटपुट कैशे एट्रीब्यूट इज एडेड टू द इंडेक्स एक्शन मेथड ऑफ द होम कंट्रोलर. ठीक है, सिंपल सी बात है ये. फिर यहां पे देखो, यू कैन स्पेसिफाई द ड्यूरेशन फॉर विच द आउटपुट ऑफ द एक्शन मेथड शुड बी कैश्ड बाय स्पेसिफाइंग अ ड्यूरेशन प्रॉपर्टी. ड्यूरेशन प्रॉपर्टी हमने यूज की थी आउटपुट कैशे के साथ. तो भाई देखो, एक पॉइंट याद रखना कि ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी के अंदर जो हम टाइम सेट करते हैं वो सेकेंड में रखते हैं. अब आप जितने मर्जी सेकेंड्स दे दो, मतलब आप इतने सेकेंड्स दे दो कि वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाए या आवर्स में कन्वर्ट हो जाए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इसकी एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं हम लोकेशन प्रॉपर्टी. ठीक है, मतलब ये भी जिस तरह हमने ड्यूरेशन की प्रॉपर्टी यूज की है ना, उसी तरह लोकेशन की प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं. अब देखो यहां पर यह क्या कह रहा है, लोकेशन प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज वेयर द आउटपुट इज टू बी कैश्ड. इसका मतलब लोकेशन प्रॉपर्टी ये बताती है कि एक्शन मेथड का जो आउटपुट होगा वो कैश कहां पे करना है, स्टोर कहां पे करना है. फॉर एग्जाम्पल हम कहां कहां स्टोर कर सकते हैं, देखो यहां पे ये कह रहा है क्लाइंट में स्टोर कर सकते हैं,
डाउनस्ट्रीम मतलब प्रॉक्सी सर्वर जो होते हैं वहां पे स्टोर कर सकते हैं, फिर सर्वर और क्लाइंट दोनों पे भी हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है भाई, देखो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी होती है लोकेशन, जो हम इसके साथ यूज करते हैं आउटपुट कैशे के साथ। ठीक है, क्यों यूज करते हैं कि हमें बताना है कि जो आउटपुट एक्शन मेथड हमें रिटर्न करेगा वो हमें स्टोर कहां पे करवाना है, कैश कहां पे करवाना है। अब देखो ये जो लोकेशन प्रॉपर्टी है क्या, देखो ये हमारे पास एक इनम लेता है और ये जो मैंने नीचे जितनी भी वैल्यूज दिखाई थी आपको ये वाली, ये सारी उस इनम की वैल्यूज है जो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पे देखो जो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, मतलब लोकेशन की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, एनी, मतलब कहीं भी वो उसको स्टोर कर सकता है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, मैं आपको पहले ये करके दिखाता हूं फिर इसकी वैल्यूज के बारे में बात करते हैं। मैं यहां पे आता हूं, फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास ये एक्शन मेथड है ना इंडेक्स, जिसके अंदर मैंने टाइम रिटर्न करवाया हुआ है। मैं यहां पे आता हूं आउटपुट कैशे के अंदर जहां मैंने ड्यूरेशन दी है, इसके बाद मैं यहां पे यूज करता हूं लोकेशन, इसकी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और यहां पे आओ इसके अंदर हम एक इनम यूज करते हैं। देखो आपको ये इनम नजर आ रहा होगा, सिस्टम डॉट वेब डॉट यू आई डॉट आउटपुट कैशे, इसके अंदर एक है लोकेशन। ठीक है, ये देखो ये हमारे पास एक इनम है जिसको हम इन्यूमरेशन भी कहते हैं। ठीक है, इन्यूमरेशन का पूरा एक कॉन्सेप्ट है। देखो आउटपुट कैशे लोकेशन, अगर मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊं तो देखो हिंट में क्या दिखा रहा है, इनम, जिसका क्या नाम है, आउटपुट कैशे लोकेशन, जिसको लोकेशन की प्रॉपर्टी में कह रहा हूं। देखो अब मैं यहां पे डॉट लगाता हूं, अब देखो जैसे ही डॉट लगाया यहां पे क्या आ रहा है, एनी क्लाइंट डाउनस्ट्रीम नन सर्वर एंड क्लाइंट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वैल्यू इसकी क्या होती है, एनी, मतलब अगर आप नहीं भी देते ये प्रॉपर्टी तो बाय डिफॉल्ट इसकी क्या वैल्यू सेट होती है, एनी। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पे आऊं, यहां पे फॉर एग्जांपल मैं चूज करता हूं सर्वर, तो इसका मतलब इसकी जो लोकेशन है, मतलब जो इसका डेटा स्टोर होगा वो कहां पे होगा, सर्वर पे होगा। और कौन सा सर्वर हम यहां पे यूज कर रहे हैं, मतलब IIS हम यूज कर रहे हैं अपने डमी, मतलब सर्वर एज अ डमी सर्वर। ठीक है, क्योंकि हम जितनी भी वेबसाइट की टेस्टिंग मेंटेनेंस करते हैं वो उसी सर्वर के ऊपर डिप्लॉय की जाती है। ठीक है, अब यहां पे देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे आके रन करूं ना तो आपको रिजल्ट डिफरेंट नहीं मिलेगा, लेकिन फर्क क्या है कि ये अब कहां पे डेटा स्टोर हो रहा है, इसका सर्वर पे डेटा स्टोर हो रहा है। ठीक है, फिर यहां पे आते हैं इसकी थ्योरी पे। अब यहां पे देखो इसकी जो प्रॉपर्टीज है, मतलब इसकी जो वैल्यूज है इस इनम की, एनी डिफॉल्ट वैल्यू होती है, क्लाइंट पे भी स्टोर कर सकते हैं हम, सर्वर पे भी स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अभी मैंने सर्वर दिया ना, ठीक है, मैं यहां पे आके एक दफा इसको रन करता हूं। अब देखो मैंने ड्यूरेशन क्या दिया, 10 सेकंड, तो ये काम उसी तरह से करेगा जैसे पहले कर रहा था। मैं यहां पे आके रन करता हूं, ठीक है, अब ये देखो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। ठीक है, और ये 10 सेकंड्स तक स्टोर हो गया हमारे आउटपुट कैसे में। तो अगर मैं अभी रिफ्रेश करूं, ठीक है, देखो अभी 10 सेकंड्स हो चुके थे, अब रिफ्रेश करता हूं, ठीक है, तो देखो यहां पे आप 10 सेकंड के अंदर अगर रिफ्रेश करते रहोगे तो आपको यही सेम आउटपुट मिलेगा, लेकिन जैसे ही 10 सेकंड्स हो जाएंगे उसके बाद आपका टाइम भी यहां पे अपडेट हो जाएगा। मतलब जो भी अपडेटेड टाइम होता है, मतलब जो भी अपडेट चीज होती है वो उतनी ही ड्यूरेशन के लिए दोबारा सेट हो जाती है जो आपने ड्यूरेशन के अंदर टाइम दिया होता है। ठीक है, एक तो ये पॉइंट है, सही है। अब यहां पे आते हैं, इसको स्टॉप करते हैं। देखो अभी मैंने सर्वर यूज किया था ना, अगर मैं यहां पे अब क्लाइंट यूज करूं, ठीक है, डॉट मैं इनम की वैल्यू यूज कर लेता हूं क्लाइंट। अब देखो क्लाइंट में एक मसला होता है, देखो फॉर एग्जांपल मैं यहां पे इसकी जो ड्यूरेशन है वो करता हूं 20, ठीक है, ड्यूरेशन 20 सेकंड्स करके अब इसको रन करता हूं तो आप रिजल्ट देखना। अब देखो ये टाइम आ रहा है, अब ये टाइम हमारे पास कितने सेकंड्स तक स्टोर है, 20 सेकंड्स तक, लेकिन अभी देखो अगर मैं यहां पे रिफ्रेश करूं तो देखो अगर मैं यहां पे बार बार रिफ्रेश करता जाऊंगा तो देखो टाइम तो अपडेट हो रहा है। ठीक है, मतलब 20 सेकंड मैंने दिए हुए, लेकिन फिर भी 20 सेकंड्स पे मेरे पास वर्क नहीं कर रहा ये, लेकिन क्यों वर्क नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने यहां पे क्लाइंट यूज किया था। लेकिन अब क्लाइंट पे पता है मसला क्या हो रहा है, इसको जरा गौर से समझना। देखो जब भी हम क्लाइंट पे मतलब सेलेक्ट करते हैं लोकेशन और जब हम रिफ्रेश करते हैं ना ब्राउजर पे, तो मसला क्या होता है कि हमारे पास जो आउटपुट कैशे का डेटा था वो क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है।
ठीक है, मतलब अगर मैं क्लाइंट सिलेक्ट करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तब हमारे पास क्या मसला होता है कि आउटपुट कैसे में से डेटा डिलीट हो जाता है और फिर दोबारा वो क्रिएट होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा मसला है, ठीक है, तो हम मतलब इसका ये जो प्रॉपर्टी, ये जो वैल्यू है, इसका क्या नाम है, क्लाइंट, ठीक है, इसका फिर फायदा इसका तब होता है जब हम अपनी एप्लीकेशन के अंदर लिंक्स यूज करते हैं। मतलब अभी तो मैं रिफ्रेश कर रहा हूं ना, तो रिफ्रेश करने पे तो देखो 20 सेकंड्स के लिए मेरा डेटा आउटपुट कैशे में स्टोर नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन ये हम तब यूज करते हैं जब हम लिंक्स के साथ काम करते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको मैं स्टॉप करता हूँ। देखो मेरे पास ये व्यू है ना, कौन सा, ये इंडेक्स वाला, ठीक है। इसके व्यू में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर मैं एक लिंक क्रिएट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिंक मैं H1 के अंदर क्रिएट करता हूँ। और लिंक क्रिएट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कौन सा हेल्पर मेथड, HTML.ActionLink, ठीक है, सही है। और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देता हूँ होम पेज, ठीक है, मतलब ये टेक्स्ट है, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये कहाँ जाना चाहिए, इंडेक्स के ऊपर। और यहाँ पे आके इसको मैं कौन से कंट्रोलर में है, ये होम कंट्रोलर में, ठीक है। तो आप यहाँ पे आके इसको रन करते हैं एक दफा, तो आप रिजल्ट देखना, ठीक है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे ये जो डेटा है ये 20 सेकंड्स के लिए हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो अगर मैं होम पेज पे क्लिक करूं, ठीक है, और यहाँ पे आके फॉर एग्जाम्पल दोबारा होम पेज पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो देखो अब मैं क्लिक कर रहा हूँ, टाइम चेंज नहीं हो रहा, नोटिस कर रहे हो, मतलब मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो टाइम अपडेट नहीं हो रहा। लेकिन ये टाइम अपडेट कब होगा, जब 20 सेकंड्स मेरे पास कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो जब हम क्लाइंट देते हैं ना, ठीक है, तो ये काम करता है किसके साथ, हमारे पास लिंक्स के साथ, ठीक है। क्योंकि रिफ्रेश करोगे तो क्लाइंट के केस में क्या होता है, जब आप क्लाइंट वैल्यू देते हो तो वो हमारे कैशे को रिमूव करता है और फिर दोबारा क्रिएट करता है, ठीक है। एक तो ये पॉइंट हो गया, तो यहाँ पे आके इसको स्टॉप करते हैं, अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो एनी मैंने आपको बता दिया इस इनम की वैल्यू, ठीक है, फिर क्लाइंट पे स्टोर करवा सकते हो, फिर डाउन स्ट्रीम। अब देखो डाउन स्ट्रीम का मतलब प्रॉक्सी सर्वर, मतलब अगर हमें IIS के अलावा कोई दूसरे प्रॉक्सी सर्वर होते हैं ना, जिसको एक्सटर्नल सर्वर भी कहा जाता है, ठीक है, उनमें अगर अपना डेटा कैश करवाना हो, एक्शन मेथड का आउटपुट कैश करवाना हो, तो तब हम डाउन स्ट्रीम यूज कर सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे नन करोगे तो कैशिंग होगी नहीं, मतलब कि डेटा स्टोर होगा ही नहीं, ठीक है। मतलब अगर आप ये प्रॉपर्टी यूज करते हो तो इसका मतलब आप नहीं चाह रहे कि आपका डेटा कैश हो, ठीक है, एक तो ये पॉइंट है। फिर सर्वर हमने यूज किया था सर्वर, और फिर सर्वर एंड क्लाइंट करोगे तो दोनों में आपका डेटा ये स्टोर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कॉन्सेप्ट था आज रिजल्ट फिल्टर्स, और रिजल्ट फिल्टर्स के अंदर हमने एक बिल्ट इन फिल्टर पढ़ा जिसका क्या नाम था, आउटपुट कैशे, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक।